हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमास्टर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मैरिड लाइफ एंड मार्स, माना आपका वैवाहिक जीवन और मंगल, इनमें दोनों में क्या संबंध है और आपके वैवाहिक जीवन में मंगल क्या भूमिका निभाता है, आपके जीवन में खुशियाँ लाता है या कोई समस्याएँ पैदा करता है या दुर्घटनाएँ देता है या जीवन में किसी भी तरह की कष्ट देता है आपको, और जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है, इस संबंध में हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें। अब हम चर्चा करते हैं मंगल और आपका वैवाहिक जीवन। दोस्तों, मंगल को ज्योतिष ग्रहों की जब हम बात करते हैं तो जैसे सूर्य को राजा माना जाता है, बुध को राजकुमार माना जाता है, ऐसे मंगल को सेनापति का दर्जा दिया गया है ज्योतिष में। तो सेनापति का जब भी शब्द हमारे दिमाग में आएगा, हम एक अनुमान लगाते हैं, एक तस्वीर हमारे मन में उभरती है, वो ये उभरती है कि वो शक्तिशाली है, वो निडर है, वो एक तरह का लोगों का नेतृत्व करने की क्षमता रखता है, वो न्याय के लिए लड़ता है, लोगों को सुख देने के लिए या उनकी पक्ष लेने के लिए आगे आके हिम्मत के साथ डट के मुकाबला करता है, मुसीबतों से लड़ता है वो। ये हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में एक पिक्चर उभरती है मंगल के संबंध में, और यही सब चीज़ें मंगल की हैं। अगर हम थोड़ा सा उसको टेक्निकली बात करें, अगर आज जो मॉडर्न लैंग्वेज है उसमें हम बात करें, तो वो ये कहेंगे कि मंगल एक बहुत पावरफुल प्लैनेट है, बहुत ऊर्जावान है, उसके अंदर वो एक फोर्स है, प्रकृति की एक ज़बरदस्त फोर्स है वो, और वो जिस भी ग्रह के साथ जुड़ती है, पावर का एक सीधा सा सिद्धांत है, शक्ति का या ऊर्जा का एक सीधा सिद्धांत है, वो जिसके साथ भी जुड़ेगी तो उसको, उसका बल जो है वो बढ़ेगा। तो ज्योतिष में भी जब मंगल जुड़ता है तो जिस ग्रह के साथ वो जुड़ता है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। अब मैरिड लाइफ में जहाँ तक हम बात करते हैं, पुरुषों के लिए वैवाहिक जीवन में बृहस्पति जिम्मेदार ग्रह है और स्त्रियों के लिए शुक्र ग्रह जिम्मेदार है। तो जब हम शुक्र ग्रह, वैसे भी जीवन में जो है आपका लाइफ पार्टनर है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके जीवन में जो काम है या सेक्स है उसको रिप्रेजेंट करता है, आपके लाइफ पार्टनर के साथ साथ वो आपके जीवन में साझेदारी का को जो भी काम है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। जीवन में आपकी भोग विलास की जो भी चीज़ें हैं, आपका सुख है, शारीरिक सुख है या भौतिक सुख जो भी है, वो शुक्र के अधीन है। आप अच्छे वाहन में घूमते हैं, अच्छे मकान में रहते हैं, घर में अच्छा इंटीरियर है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, खूब ट्रैवल करते हैं, या आप ही करिए, रेस्टोरेंट में बार बार खाना खाने का मन करता है, अच्छी ज्वेलरी पहनते हैं, खूब तड़क भड़क के कपड़े पहनने को चाहिए, ये सब चीज़ें शुक्र ही करता है, उसकी वजह से ही ये आती है। तो इस सांसारिक जीवन में अगर हम देखें तो जब संसार में हम आते हैं तो सांसारिक जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें यही सब चीज़ें चाहिए होती हैं, अच्छा खाना पीना पहनना घूमना रहना, ये सब चीज़ें चाहिए हमें, ज्वेलरी भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी, सब कुछ चाहिए हमें, और जीवन में शारीरिक सुख भी चाहिए, ये सब शुक्र देगा आपको। और मंगल एक ऊर्जा है, तो ऊर्जा का शुभ होना जरूरी है, ऊर्जा अगर शुभ साथ में जुड़ेगी शुक्र के साथ तो आपके जीवन में ये सब चीज़ें सकारात्मक रूप से आपके पास आएंगी और आपको सकारात्मक फल भी देंगी, और अगर नकारात्मक रूप से जुड़ती हैं तो फिर जीवन में कष्ट भी देती है। अब मंगल ही इम्पोर्टेंट क्यों है? वैवाहिक जीवन में मंगल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो आप देखोगे तो कालपुरुष की कुंडली में भी वो अष्टम भाव का भी कारक बनता है, जो कि आपके प्रजनन अंगों का है, और ऊपर से एक शक्ति है, शुक्र भी आपके काम का बनता है,
तो वैवाहिक जीवन में काम बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसीलिए शुक्र और मंगल को दोनों को साथ में देखना बहुत जरूरी है। बिना शुक्र के कोई लव मैरिज नहीं होगी, शुक्र और मंगल के संबंध के बिना सफल वैवाहिक जीवन नहीं होगा। ये बात 100% आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिए, 1% भी इफ एंड बट नहीं है इसमें। किसी की भी कुंडली हो उठा लीजिए, चाहे तलाक हो या विवाह उत्तर संबंध हो या लव अफेयर हो, वहाँ पे मंगल शुक्र तो मिलेंगे ही, तो चीज़ें पॉजिटिविटी लेके आएंगे लाइफ में, सकारात्मकता की ओर बढ़ेंगी। और अगर राहु केतु या शनि इन्वॉल्व हो गया है तो नेगेटिव चीज़ें होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे कि डाइवोर्स, जैसे कि आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये सब चीज़ें फिर राहु कर देगा। लेकिन मंगल आपके प्रेम संबंध बनाएगा लोगों से, आपका जो आकर्षण है विपरीत लिंग के प्रति वो पैदा करेगा आपके अंदर, ये काम मंगल का है। तो वैवाहिक जीवन में मंगल को देखा जाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम जब कुंडली मिलान करते हैं तब भी ये मांगलिक का ख्याल देखा जाता है, तो मंगल ही क्यों देखा जाता है, बाकी ग्रह तो नहीं देखे जाते? क्योंकि मंगल, मैंने बोला ना, सबसे प्रबल ऊर्जा देने वाला ग्रह सूर्य के बाद। तो मंगल जैसे अगर एक नंबर मेष राशि काल पर कुंडली में एक नंबर खाने में आती है, जो कि वहाँ पे आपकी जो मस्तिष्क है, आपका दिमाग है, उसमें गर्मी पैदा करती है वो, क्योंकि वो सूर्य का भी पक्का घर है, तो वहाँ पे गर्मी ज़बरदस्त पैदा होती है क्योंकि सूर्य वहाँ पे उच्च का होता है। तो शरीर में कहें या मस्तिष्क में कहें या आपकी वाणी में कहें, आपके व्यवहार में ज़्यादा गर्मी ठीक नहीं है, ज़्यादा जोश, ज़्यादा आक्रामकता, ज़्यादा गुस्सा, ये सही नहीं है। मेडिकली भी गुस्सा ठीक नहीं है और एस्ट्रोलॉजिकली भी ये आपको ही डैमेज करेगा। जब हम दूसरे भाव में देखते हैं तो वहाँ पे चंद्रमा की राशि आती है, वृष राशि, जहाँ पे चंद्रमा उच्च का हो जाता है, वहाँ पे भी अब मांगलिक बन जाता है आदमी। चौथे में चंद्रमा जल की राशि आती है, वो अग्नि तत्व है, फिर वहाँ पे परेशानी पैदा करता है। सातवां फिर वो शुक्र का घर है, जल तत्व, वहाँ पे फिर मंगल अग्नि तत्व आके फिर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आठवां मंगल का खुद का ही है, वो शनि का भी माना जाता है, इसलिए वहाँ भी स्थिति खराब है। बारहवां जो है उसको अब बृहस्पति का भी मानते हैं, राहु का भी घर मानते हैं, वहाँ पे भी ठीक नहीं है मंगल, ये मांगलिक योग बनता है। तो मांगलिक इसलिए देखा जाता है कि वो, और जब भी उसकी चौथी और आठवीं और सातवीं तीन दृष्टियों से देखेंगे तो ये सारे घर आपकी कहीं ना कहीं आपके परिवार को, आपका एक्सटेंशन जो है, चाहे आपके बच्चे हैं या आपका परिवार है या आपका खुद पार्टनर है, माता पिता है, उन सब पर इनका ज़बरदस्त प्रभाव होता है मंगल का। कुंडली में कहीं से भी लगा लो आप, चौथी दृष्टि से नजर डालेगा, नहीं तो सातवीं से डालेगा, अदरवाइज आठवीं से तो डालेगा ही। तो मंगल इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वैवाहिक जीवन में। आठवें घर के जो मांगलिक होते हैं या दूसरे घर के जो मांगलिक होते हैं, सातवां घर और दूसरा मार्ग ग्रह, इन ग्रहों से मंगल का खराब होकर संबंध बनना मृत्यु का कारण बनता है। अष्टम भी मृत्यु का घर है, उसका भी सप्तम के साथ संबंध बन जाना मृत्यु का कारण बनता है। तो मंगल को आप जीवन में किसी भी दृष्टिकोण से अलग नहीं कर सकते वैवाहिक जीवन से। अगर आपका जीवन सही चलता है, खुशहाल जीवन है, तो भी आप, अगर आपका शारीरिक सुख मिलता है आपको, आपके पति पत्नी के अच्छे शारीरिक सुख की बात करें तो मंगल वहाँ पर रहेगा। अगर मंगल खराब है तो शारीरिक सुख नहीं मिलेगा। मंगल बारहवें है चला गया तो सैया सुख तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। बिस्तर में आप दोनों के बीच मतभेद रहेगा, ये तय है। और अगर चौथे घर में चला गया है तो आपके परिवार में कलह का माहौल बन जाएगा। सातवें में चला गया है तो फिर भी आपको अपने पार्टनर के साथ वाद विवाद की स्थिति देखने को मिल सकती है। पहले में चला गया तो फिर आप गलत बोल सकते हैं, आपका परसेप्शन है वो गलत है, लोगों के साथ व्यवहार करने और डीलिंग करने की जो चीज़ें हैं वो गलत हो सकती हैं। दूसरे में चला गया है, आपकी वाणी में कटुता आएगी, आप अपनी पत्नी के साथ बदतमीजी करेंगे, उन्हें गलत बोलेंगे, वो अप्रत्यक्ष रूप से आपके जीवन में जो आय है उसको प्रभावित करेगा। तो मंगल को वैवाहिक जीवन की, जब मैं बात करूं
तो मंगल को आप सबसे पहले देखें, वो बहुत ही ज़रूरी है। मंगल ही आपके जीवन को सुखमय बनाएगा, मंगल ही आपके जीवन को ये बताइए कि कष्टों से बचाएगा। मंगल का गलत विश्लेषण कर लिया तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं पैदा होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी ग्रह नहीं है कुंडली में, लेकिन जब हम केवल विवाह के संबंध में बात करेंगे तो ये दो ग्रह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उनमें से भी शुक्र और मंगल, और इनमें से भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है मंगल, क्योंकि वो पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है। सूर्य राजा है, वो सेनापति है। राजा सारे काम नहीं करता, वो सिर्फ आदेश देता है, एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन वो मंगल का काम है, और वो उसमें किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतता, नहीं प्रयोग करता कोई भी कोताही, याद रखिए। वो सख्ती से पेश आता है, निपटता है, शत्रु को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा, जो विरोध करेगा उसको नहीं छोड़ेगा, जो न्याय संगत नहीं होगा उसको नहीं छोड़ेगा। तो आपके चाहे प्रेम संबंध हो, वैवाहिक जीवन हो, इनमें मंगल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दें। आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, आपको हम जल्दी से जल्दी उस पर वीडियो बनाकर देंगे। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।